नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक राशिफल 7, 8 और 9 सितंबर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। अब चलते हैं हमारी 10वीं राशि मकर राशि पर। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ द सॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ द सॉर्ड्स का और तीसरा कार्ड अपीयर हुआ है द जजमेंट का। मकर राशि, 7 सितंबर का दिन आपका अच्छा नहीं है। इस दिन आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर आरोप लग जाए तो क्या करना चाहिए, यहां मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया उपाय जो है वो ये है कि अपने किसी भी आरोप के ऊपर पहली चीज एग्रीमेंट मत दीजिएगा कि हाँ जी आपकी गलती है, उद्वेलना में भी, गुस्से में, भावनात्मक रूप से कहीं से भी नहीं। और दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि इग्नोर कर देना है। यानी अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे और आप उस आरोप में इन्वॉल्व नहीं हैं तो जाहिर है आप मानेंगे नहीं कि गलती आपकी है। तो जब गलती आपकी नहीं है तो उसे लेकर के परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जितना ज़्यादा आरोपों को लेकर आप इग्नोरेंस दिखाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। दिन खत्म होने के साथ साथ आरोप भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मत होइएगा, भावनात्मक लगाव मत रखिएगा 7 सितंबर के दिन, क्योंकि 7 सितंबर को परिवार की वजह से भी कहीं अपमान झेलना पड़ सकता है। 7 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपको अपने धन और वैभव पर थोड़ा लगाम लगाना होगा। शांत रहें, अगर कुछ खरीदारी महंगी करनी है तो उसे पोस्टपोन कर दें। 8 सितंबर के दिन आप अपने आप में थोड़ा स्वार्थ महसूस करेंगे। न सिर्फ स्वार्थ को महसूस करेंगे बल्कि आपको ये भी लगेगा कि अब आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मकर राशि, अगर आपके मन में ये ख्याल आ जाता है तो ये ख्याल बहुत बढ़िया है, इसका स्वागत करिएगा। स्वार्थी बने रहना 8 सितंबर को आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, गुणकारी होगा। 8 सितंबर के दिन आपको अगर कहीं निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ जाती है या आपसे कोई निर्णय मांगा जाता है तो निर्णय देते समय अपना लाभ जरूर सोच लीजिएगा, पक्षपातपूर्ण निर्णय दीजिएगा। 9 सितंबर का दिन आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर आएगा। ये जब परिवर्तन शुरू होगा तो आपको आभास हो जाएगा। ये परिवर्तन चुपचाप होने दीजिएगा, इसको एंजॉय करिएगा। अगर शुरुआत में आपको लगता है आपके साथ कुछ बुरा या अन्याय हो रहा है 9 सितंबर को, तो इग्नोर करिएगा, उसे होने दीजिएगा। वो सारा अन्याय, सारा बुरा चीज फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 9 सितंबर को हस्तक्षेप कर दिया तो चीज़ें वहीं से उलट जाएंगी और फ्यूचर में वो आपके लिए लॉसफुल हो जाएगा। 7 तारीख को छोड़ दें तो 8 और 9 परिवार, मित्रों, सगे संबंधियों, प्रेमी प्रेमिका सबके लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 तारीख का जो दिन है वो आपका अच्छा नहीं है, न फैमिली में अच्छा होगा, न मित्रों के साथ अच्छा होगा, न लव रिलेशन में अच्छा होगा। तो कोशिश करें 7 तारीख को अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये था राशिफल 7, 8 और 9 सितंबर के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।